हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोटैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से लेकर अब तक, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, तब तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इन्होंने आपको लेकर, आपके साथ को लेकर सोचा, क्या कुछ इनके दिल में आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर चलता रहा, तो वही सभी चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग से पहले, रीडिंग की शुरुआत से पहले, आपको अपनी ईस्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर, जिन पर आप कहीं ना कहीं आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दूसरी चीज़, रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी सुबह से लेकर अब तक क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही, आप ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो भी रीडिंग होगी वो कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर होगी और जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होगा। इस चैनल पर आपको जो भी रीडिंग मिलेगी वो टाइमलेस मिलेगी, यानी जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का खास ध्यान रखकर चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रीडिंग की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच बनी रही है। तो सबसे पहले है आपका ट्रेडिंग, द वंडरर्स, इंथेज्म। गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। द अराउजिंग, द जेंटल, द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल एंड ओवरऑल एनर्जी है द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक चलता रहा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्रेडिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में, किस सोच में रहे हैं। रीबर्थ, चेंज, स्ट्रेस, टोटैलिटी, ब्रेक थ्रू, पास्ट लाइफ एंड बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर है, मैं वही आपको बताऊंगी। जैसे लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। उसके अलग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखाई दिया। एंड यहाँ पर आपकी एयर एनर्जी भी है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग में नहीं है। नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पर 10, यानी कि आपका अक्टूबर मंथ ही बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ, जो भी कनेक्शन है वो 10 साल का रहा है, चाहे इस 10 सालों में आप लोग मिलकर भी रहे हो और बिछड़ कर भी रहे हो, या टोटल 10 साल हैं और उसके अलग आप 10 महीने से अलग अलग हो, या अक्टूबर मंथ जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या बिछड़े थे, आपकी एनिवर्सरी थी, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से नहीं मिलाने हैं कोई भी नंबर। डेफिनेटली 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप में से कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकती है पॉसिबिलिटी कि आपको ना आजकल एंजल नंबर 10-10 भी दिखाई देता हो, चाहे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देता हो या फिर आपको किसी कार का नंबर सडनली दिख रहा है, कहीं पर लिखा दिख रहा है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ हाल फिलहाल में,
तो बेसिकली यूनिवर्स ये डिवाइन आपको गाइड करना चाह रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं, उनका एंड होने वाला है, क्योंकि 10 के बाद अब नई सिरे से चीज़ें शुरू होंगी, ज़ीरो से, यानी कि न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है जो हो रहा है, और कुछ नया शुरू होना बाकी है जो हो रहा है। तो वो 10-10 नंबर आपको बेसिकली ये बताने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं कि सुबह से लेकर ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में लोग तो बहुत सारे हैं, हो सकता है इनका परिवार भी बहुत बड़ा हो, या परिवार के साथ ये रह रहे हैं, ठीक है, या परिवार का सपोर्ट भी इन्हें मिल रहा है किसी पॉइंट पर। लेकिन एक जो कमी होती है ना प्यार की, केयर की, इमोशंस की, वो ये पर्सन ना सुबह से लेकर बहुत ज़्यादा महसूस करते रहे हैं। वो प्यार ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक महसूस कर रहे हैं जो आपने इन्हें दिया है। जैसे एक नरेश करके आपने इन्हें रखा, आपने हद से ज़्यादा इनकी केयर करी है, परवाह करी है, हद से ज़्यादा इन्हें नरिश करा है। और आपका जो नरिशमेंट था, जो प्यार था, वो ऐसा नहीं था कि बाहरी तौर पर है। उससे ये पर्सन ना माइंड से, सोल से भी एकदम से अपने आप को ये पाते थे कि आप इन्हें अंदर सोल तक नरिश कर रहे हो, मतलब आपके प्यार में वो वाइब्रेशन इस पर्सन ने महसूस करी है। इन्हें अपने आसपास लोग तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन उस प्यार में वो नरिशमेंट, वो परवाह इन्हें झलक नहीं रही है। तो उस कमी को, उस चीज़ को ये पर्सन महसूस सुबह से लेकर अब तक करते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन एकदम शांत रहने वालों में से हैं, अपने दर्द को एक्सप्रेस करने वालों में से ये नहीं है। यानी कि जो कमी इनकी ज़िंदगी में है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने जो भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ही रिगार्ड, बचपन से लेकर अगर इन्हें किसी चीज़ की कमी भी महसूस हुई है ना, तो इन्होंने कभी भी उस कमी को अपने मुंह से एक्सप्रेस नहीं करा है, अपने मुंह से इस पर्सन ने कभी भी बोला नहीं है। तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो कमी इन्हें आपकी महसूस हुई है, या जो प्यार ये आपका सुबह से लेकर अब तक मिस करते रहे हैं, वही प्यार इन्हें इस कनेक्शन में वापस से रिबर्थ करने के लिए, इस कनेक्शन को कैसे वापस से स्टार्ट करा जाए, या वापस इस कनेक्शन के लिए लोगों को अवेयर करा जाए, उन्हीं लोगों को जो जिनके बीच में ये हैं, उन लोगों को अवेयर करा जाए, या कैसे इस सेंसिबल टॉपिक पर डिस्कस करा जाए, एज एन कि ये आज भी आप ही के साथ रहना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में आज भी आप ही के साथ एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ का जैसे कि इस पर्सन के मन में ना स्ट्रेस रहा हो, ठीक है, यानी कि दिल में आपकी कमी है, चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन में रिबर्थ करें, लेकिन कैसे इस सेंसिबल टॉपिक पर आज के दिन या इस विषय पे बात करें, तो ऐसा कुछ इनके दिल में रहा, या वो चीज़ें इस पर्सन को जैसे अंदर ही अंदर स्ट्रेस देती रही हो, अंदर ही अंदर इन्हें चिंतित करती रही हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ना इस विषय पे अब ये बात करने को लेकर, या इस टॉपिक पर डिस्कस करने को लेकर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेला फील करते रहे, एज एन कि अकेले ही हैं शायद, जो आज भी इसी कनेक्शन में रिबर्थ चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, या बदलाव चाहते हैं। आई थिंक इनके दिल में ये चीज़ें थी कि शायद अब यही बचे हैं जो इस रिश्ते में आज भी कुछ देखना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आज भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्ट्रेस देती रही हैं। हालांकि मैंने जैसा कि आपको बताया, कभी भी इस पर्सन ने ना अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई है, या कभी भी अपने लिए इन्होंने कुछ बोला नहीं है। अपनी खुशियों को हमेशा इन्होंने जो भी पाया भी है ना इन्होंने अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अपने बलबूते पे पाया हो, या अपने मैनिफेस्टेशंस के थ्रू पाया हो, कि भगवान ने ही इन्हें वो गिफ्ट दिया है। वहाँ पर इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, लोगों से नहीं, मतलब जो परिवार वाले हैं उनसे कभी भी इन्होंने किसी भी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। सुबह से इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत कुछ लाइफ में छूट रहा है, बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, या एक शॉकिंग जैसी एनर्जी इनकी रही है, एक ऐसी एनर्जी जैसे कि जाग तो रहे हैं लेकिन सबको नहीं जगा पा रहे हैं, जाग तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन सबको इस चीज़ को क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं। उस एनर्जी में इन्होंने अपने आप को पाया, एज एन कि मेरी लाइफ कैसे बदल रही है, किस तरफ बदल रही है, उस चीज़ को महसूस तो कर पा रहे हैं कि मेरी लाइफ एक टावर मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है, या मेरे दिल में कितना तूफान है उस तरफ बढ़ रही है। कोई भी
सुकून मेरी लाइफ में, मेरे मन में नहीं है, उस तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को ना बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप से तो बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं सुबह से कि भाई हाँ मेरी लाइफ बदल तो रही है, लेकिन अच्छे वक्त की तरफ नहीं बढ़ रही है, ऐसा इन्हें सुबह से फील होता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, देखो हमेशा ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट रहे हैं, मतलब एज एन हमेशा इनके दिल में ना अपने परिवार को लेकर या आसपास के लोगों को लेकर हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, या हमेशा जैसे एक होता है ना इंट्रोवर्ड टाइप के लोग होते हैं जो अपनी बात सही से बता नहीं पाते हैं, जितनी भी बात इन्होंने कभी करी भी है ना आपसे ही करी है, जैसे आप ही के सामने ये खुलकर आए हो, अदरवाइज इन्हें हमेशा ऐसा ही लगा कि ये जो भी बोलेंगे तो कोई इन्हें समझ नहीं पाएगा, बट आप ही अकेले एक ऐसे पर्सन इनकी ज़िंदगी में रहे जिसने इन्हें समझा। इवन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आप बिना कहे इन्हें समझ पाते थे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ही है कि इनके ज़्यादा काइंड हार्ट होने के चक्कर में, ज़्यादा सॉफ्ट नेचर होने के चक्कर में, ज़्यादा भरोसा करने के चक्कर में ये अपना ही कई बार नुकसान कर बैठते हैं, तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। सुबह से अब तक भी इनके साथ यही रहा कि ये अगर शांत है तो शायद यहाँ पर चीज़ें शांत हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठा लिया, जिस दिन इन्होंने यहाँ पर बोल दिया ना, तो ये जो आसपास का माहौल भी है ये भी शांत नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को जैसे अंदर ही अंदर परेशान तो कर रही हैं, लेकिन ये बाहर नहीं लाने दे रहे हैं, ताकि मेरे इस तरह के जेस्चर से मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास के लोग परेशान ना हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। विद दिस टोटैलिटी कार्ड इन्हें ना अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे चिंता बनी रहती है, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार में मेरे इस चाहत की वजह से लड़ाई ना हो जाए, इसमें जो अच्छी खासी चीज़ें पॉजिटिव वे में चल रही हैं कहीं उसका जिम्मेदार मैं ना बन जाऊँ, तो ऐसा कुछ इनके साथ रहता है और सुबह से लेकर अब तक भी ऐसा ही इनके साथ रहा, और कहीं ना कहीं यही वजह बनी इस पर्सन की आपके लिए स्टैंड ना लेने की, आपका हाथ छोड़ने की, जब आप दोनों एक ऐसे मुकाम पर थे जहाँ पर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट थी, तो इन्होंने हाथ आपका इसीलिए छोड़ा क्योंकि इन्हें लग रहा था उस वक्त भी और सुबह से भी कि ये शायद यहाँ पे ना फाइट नहीं कर पाएंगे अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आप को बेहद ज़्यादा छोटा पा रहे थे ये पर्सन इस चीज़ को लेकर, एज एन कि देखो भले ही अपने परिवार को सोच रहे हैं, उनके प्रति जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन आपको तो अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं, उस इंसान को जिसके साथ ही इन्होंने अपना काफ़ी जन्मों का कनेक्शन पाया था, ऐसा नहीं था आपके साथ कि आप इसी जन्म में मिले हो या इसी जन्म में आप एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो गए हो, ऐसा कुछ था ही नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट बात जो आप दोनों के बीच में हुई थी ना, उस बात ने ही जैसे कि इस पर्सन को अपनी तरफ इतना खींच लिया कि आप सोल लेवल तक कनेक्ट हो गए, या इस पर्सन को आपकी एनर्जी सोल लेवल तक छू गई। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस बात को जितना ज़्यादा ये पर्सन समझ रहे थे दिल से, उतना ज़्यादा अपने आप को छोटा पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर ये पर्सन ना फैमिली के जाल में इतना ज़्यादा फंस रहे हैं, फैमिली की जिम्मेदारियों में इतना फंस रहे हैं कि अपने पास्ट लाइफ के कनेक्शन को अपने आप से दूर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान मोह माया में इतना फंस गया तो वो उसके बाद भगवान को भूल जाता है, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। आप सोल लेवल तक कनेक्टेड हो, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन अपने सोल के मोटिव को भूल रहे हैं इस और सब चीज़ों की वजह से, बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से, तो उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रोवर्ड होने की वजह से, अपने लिए आवाज़ ना उठाने की वजह से, पर्सन यहाँ पर एकदम स्ट्रेस में तो है लेकिन शांत भी बैठे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं टैरो से कि और किस तरह की इनकी एनर्जीज रही सुबह से लेकर अब तक, और क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक चलता रहा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में रहे हैं, किस सोच में रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनकी सोच क्या रही सुबह से लेकर अब तक, यूनिवर्स गाइड कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
Nine of Cups, Eight of Swords, Page of Swords, the High Priest, Queen of Pentacles, and overall energy है आपकी King of Swords. तो यहाँ पर एनर्जी देखिए जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग भी दिखा. टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि जिसमें आपका कैंसर मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में दिख रही है कि आप इस पर्सन के से जो मिले हो जुड़े हो ना वो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, चाहे फिर वो कोई भी सोशल मीडिया की साइट ही क्यों ना हो. देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना कहीं सुबह से लेकर अब तक जैसे कि आपको चेस कर रहे हैं, आपकी यादों को चेस कर रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई बातों को चेस कर रहे हैं, या इनके पास आपका कोई स्टफ़ है उसे देख रहे हैं, आपको इवन सोशल साइट्स पे भी ये पर्सन ढूंढ रहे हो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं. क्योंकि ये पर्सन सुबह से लेकर जितना आपको सोचते रहे उतना मन इनका जैसे कि बेचैन रहा, उतना ज़्यादा मन में इनके शोर चलता रहा. इस चीज़ का शोर कि आप क्या दूर जा रहे हो, चीज़ें बदलती जा रही हैं, सब कुछ बदलता जा रहा है. इंट्यूशंस इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पर रहे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इंट्यूशंस इन्हें इस कनेक्शन के लिए अगर बढ़ने के लिए बोल रहा है तो इन्हें अपने परिवार के प्रति जेंटल बनने के लिए, हम्बल बनने के लिए, उनके प्रति जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उसे उठाने के लिए भी इन्हें बोल रहा है. ऐसा नहीं है कि इनके इंट्यूशंस खाली आप ही की तरफ इन्हें बढ़ने के लिए बोल रही है. इंट्यूशंस इन्हें जैसे बोल रही हो कि तुम्हें बैलेंस में रहना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना है, लेकिन ये पर्सन दोनों ही सिचुएशन को या आप दोनों को ही बैलेंस में लेकर नहीं चल पा रहे हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपने इस पर्सन को एकदम बच्चों की तरह प्यार करा है. मतलब एक केयर ऐसी होती है ना जिसे आप कभी भी नहीं भुला सकते हो, आपने उस तरह से इस पर्सन की केयर करी है. ठीक है, और सुबह से ये पर्सन ना आपकी वो केयर ही मिस कर रहे थे. आप इस जगह होते तो किस तरह से इनकी परवाह कर रहे होते, किस तरह से बात कर रहे होते. तो आपकी छोटी छोटी सी बातें इवन इस पर्सन को सुबह से लेकर जैसे अब तक याद आ रही हो. लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली देखो स्टक है विथ दिस एट ऑफ सोर्ड्स कार्ड. स्टक परिवार की वजह से, परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से, परिवार को कुछ हो ना जाए, मेरे इस एक्शन से परिवार मुसीबत में ना पड़ जाए या परिवार मुझसे अलग ना हो जाए, तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन ना अपने आप को इस कदर स्टक बना लिए हैं जिसके चलते जो इनकी इच्छाएं हैं ना, जो इनके सपने हैं, आप तो हो ही हो, इनके और भी सपने हैं, ये उसने भी मारते आए हैं. हो सकता है एक वक्त पे इन्होंने आपसे बोला भी हो कि इनके लिए परिवार क्या मायने रखता है. और यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं जैसे अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये पर्सन इस तरह से भी अपने आप को संभाल रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इनका अभी के लिए वेट करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा. एज एन जब तक सब लोग यहाँ पर स्टेबल नहीं हो जाते या इनकी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो जाती तब तक शायद इनका यहाँ शांत रहना ही सही रहेगा. हालाँकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पास कितना वेट करने का समय है, लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें थी या ये कह सकती हो कि अब इनके पास इन्हें और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा जिसके चलते अपनी इच्छाओं का अगेन फिर से एक बार ये पर्सन जैसे गला घोटने के लिए तैयार कर रहे हूँ अपने आप को सुबह से लेकर अब तक. तो ऐसा मुझे दिख रहा है. पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिख रही हैं कि जब शुरुआती तौर पर आप इस पर्सन से मिले थे ना तो बहुत प्रैक्टिकल आपको ये दिखाई दिए होंगे, एकदम लिमिटेड बात करना, एकदम टॉपिक पर ही बात करना, कोई एक्स्ट्रा बात करना ही नहीं. वो तो आपकी केयर ने, आपके प्यार ने इस पर्सन को बदल दिया हो. तो देखो इस पर्सन की ये जो एकदम लॉजिक वाली बात करने के पीछे की वजह भी यही है क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ को ही यहाँ पर बंद करा है. ठीक है, तो उसी चीज़ उसी तरह का कंफ्यूजन कह सकते हो या उसी तरह की जद्दोजहद में ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक रहे. पॉसिबिलिटीज़ है अपने परिवार के लिए ये पर्सन ना बस चेहरे पर स्माइल लेकर आ रहे हैं, उनके सामने खुश होकर दिखा रहे हैं, लेकिन दिल में ये चीज़ें चल रही हैं.
तूफान चल रहा है, दिल में बहुत परेशानी चल रही है, दिल से रोना तक आ रहा है लेकिन चेहरे पर रोने की एक शिकन भी ये पर्सन नहीं ला रहे हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सब एहसास के बीच में ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे थे, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सब के चलते व्यूअर्स के पर्सन आके कहना क्या चाह रहे थे, इनके मैसेजेस दीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सब के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे, गाइड कीजिए। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विथ योर्स, यानी कि ये पर्सन आज तक आप ही तक रुके हुए हैं, इनकी घड़ी, इनका दिल, इनके इमोशंस आप ही तक जाकर लॉक हो जाते हैं, आपसे कहना चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको टच करना चाह रहे थे ये पर्सन, आपसे कहना चाह रहे थे ये। आई वॉन्ट टू हग यू, गले लगाना चाह रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको गले लगाकर बेसिकली इन्हें वो प्रोटेक्शन जैसा फील होता है, या आप ना गले लगाकर इन्हें समझ पाते हो कि भाई क्या चल रहा है इसके दिल में, आप ही इस पर्सन के दिल के शोर को सुन पाते हो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, तो आपसे कहना चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, देखो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे सही नहीं करना चाहते, इवन ये पर्सन कहना भी आपसे यही चाह रहे हैं। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, अपने आप पर काम तो कर रहे हैं लेकिन बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि ये पर्सन क्यों ऐसा कह रहे हैं आपसे। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके साथ ये वो ज़िंदगी जी पाए, या वो ज़िंदगी इन्होंने जी जो शायद ही आज भी नहीं जी रहे हैं, तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं, अपने भी परिवार की खुशियों के लिए ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक जैसे अपने आप को खुश रखने की बेइंतहा कोशिश में लगे रहे हैं। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या पता चलता है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। फर्स्ट वन इज सोलमेट, तो देखो इन्हें भी ये चीज़ें महसूस हो रही थी सुबह से लेकर अब तक कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और यहाँ पर रोमांस एंजल से भी यही आया कि यस दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं। फाइनेंसेस एंड कैरियर, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वक्त में इस पर्सन को फाइनेंशियली लेवल पर काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हो, या कैरियर में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, या इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो मुलाकात हुई थी वो अपने कैरियर की वजह से हुई थी, तो इसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। और कुछ लोगों के बीच में ना यहाँ पर ये जो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो रही है ना, उसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं ये फाइनेंसेस या कैरियर ही है, पैसा भी यहाँ पर इश्यूज बन रहा है। हो सकता है यहाँ पर एक बंदा या बंदी गवर्नमेंट जॉब में है और दूसरा नहीं है, तो उस तरह से इश्यूज चल रहे हो, या पैसों की किसी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ऐसा भी यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, और देखो अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पास्ट लाइफ अगर आपका कनेक्शन है ना, तो ये सब चीज़ें हिट करती हैं। ठीक है, कनेक्शन में ये हिट करती हैं, वही तो आपका इम्तिहान होता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, बट आपको इन चीज़ों को इस वे में लेना है कि ये हमारी ज़िंदगी के वो रेड फ्लैग्स हैं जिसे हमें समझना है, जानना है, मतलब इनकी वजह से हमें ना भटकना नहीं है। आपके पार्टनर को तो स्पेशली इस चीज़ को समझना होगा, तो ऐसा यहाँ पर रोमांस एंजल से पता चल रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। Forgiving and learning, तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस सिचुएशन को देखकर ना बेसिकली एक दूसरे पर से भरोसा तोड़ रहे हो, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन से कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो आपसे बोला जा रहा है इससे आप ना अपना नुकसान ही कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, और वो है माफ़ करना। ठीक है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पर्सन ही हो सकता है आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, दिस कुड बी द वन, बट आपसे ये बोला जा रहा है कि यही वो इंसान है आपके जो बेसिकली डेस्टाइंड है, आप लोग डेस्टाइंड पार्टनर हो, आपका मिलना भी लिखा गया है, आपका बिछड़ना भी लिखा गया है, और एंड आपको इस बिछड़ने के टाइम पर, इस सेपरेशन के टाइम पर सीखना भी लिखा गया है, और अगेन मिलना भी लिखा है, तो ये आपकी पूरा सब कुछ जो है वो डेस्टाइंड है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ अलग हो रहा है या
आप ही कह सकते हो, ये चीज़ें आपको पता भी होंगी, आप ये चीज़ें डेस्टाइंड मतलब आप ये सब चीज़ें लिखवा कर ही आए होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये सभी चीज़ें भूलते जा रहे हो। तो ऐसा यहाँ पर बेसिकली रोमांस एंजल्स के थ्रू बोला जा रहा है, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनी होती है ना वो पहले से ही लिखी होती है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता है कि हाँ हमारी जो लव लाइफ है वो बहुत टफ जाएगी, इतनी आसान नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है सब डेस्टाइंड है, बट आप लोग अल्टीमेटली यहाँ पर मिलोगे, ऐसा रोमांस एंजल से पता चलता है। वक्त लग रहा है लेकिन मिलना ज़रूर है, तय है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।